हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कॉम लर्न के यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर फंडामेंटल्स का ये आप 7वां वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले मैंने कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में वीडियो बनाया था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन के बारे में। फर्स्ट जनरेशन का जो पीरियड होता है वो आपका होता है 1940 से लेकर 1956 तक का जो पीरियड होता है वो आपका कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन कहलाता है। इस पीरियड में आपका वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंशन हुआ था, जो ली डी फॉरेस्ट के द्वारा किया गया था 1906 में। फर्स्ट जनरेशन में ही आपका पंच कार्ड्स, पेपर टेप एंड मैग्नेटिक टेप का यूज होता था। किसके लिए? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के लिए। द कंप्यूटर्स इन दिस जनरेशन यूज्ड मशीन कोड एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो कौन सा था? वो आपका मशीन लैंग्वेज था। वो मशीन लैंग्वेज मतलब हुआ आपका 0 और 1। 0-1 को हम क्या कहते हैं? मशीन कोड कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर। ENIAC जो था वो आपका क्या था? पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। उसके बाद द पीपल इन्वॉल्व इन द अर्ली डेवलपमेंट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट वर जे प्रीपर, एकर्ड जूनियर एंड जॉन डब्ल्यू मॉचली एंड जॉन वॉन न्यूमैन। फर्स्ट जनरेशन के जो डेवलपमेंट में मेन इंपॉर्टेंट रोल था वो किनका था? आपका जे प्रीपर, एकर्ड जूनियर और जॉन डब्ल्यू मॉचली और जॉन वॉन न्यूमैन, इनका जो महत्वपूर्ण योगदान था फर्स्ट जनरेशन में। मॉरिस विल्केस लीड अ ब्रिटिश टीम डेट बिल्ट अ इडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर एट कैम्ब्रिज इन 1949। मॉरिस विल्केस ने 1949 में कैम्ब्रिज में इडसेक कंप्यूटर के निर्माण में ब्रिटिश टीम का नेतृत्व किया। ऑन द अमेरिकन साइड रिचर्ड स्नाइडर लीड द टीम डेट कम्प्लीटेड द इडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। वहीं अमेरिकी रिचर्ड स्नाइडर उन्होंने उस टीम का नेतृत्व किया जिसने की इडवैक बनाया था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अनदर इंपॉर्टेंट स्टोर प्रोग्राम मशीन ऑफ दिस जनरेशन वाज यूनिवेक। इस जनरेशन का जो दूसरा प्रोग्रामिंग मशीन था वो क्या था? आपका यूनिवेक था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल कमर्शियली अवेलेबल मशीन। द यूनिवेक वाज डिजाइन बाय एकर्ट एंड मॉचली। यूनिवेक जो था पहला कमर्शियल मशीन था जो कि एकर्ट और मॉचली के द्वारा डिजाइन किया गया था। इट यूज्ड मोर देन 5000 वैक्यूम ट्यूब्स एंड एम्प्लॉयड मैग्नेटिक टेप फॉर बल्क स्टोरेज। इसमें क्या किया गया था? 5000 से ज्यादा वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया था। IBM's फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन 1952। IBM ने अपना पहला कंप्यूटर 1992 में इंट्रोड्यूस किया था जो कि था आपका IBM 701। इसका इस्तेमाल जो किया गया था साइंटिफिक वर्क के लिए, रिसर्च के लिए, विच लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग, जिसके कारण फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग भाषा का विकास हो सका। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ, यही आपका वैक्यूम ट्यूब है। फिर उसके बाद ये सारे कंप्यूटर हैं, इडसेक, यूनिवेक, इडवैक, ENIAC, IBM 701, ये आपके सारे कंप्यूटर थे और ये आपका क्या था? वैक्यूम ट्यूब। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 1956 से 1963 का जो पीरियड होता है वो आपका क्या होता है? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का होता है। इसमें जो आपका इस्तेमाल हुआ था ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, किसके जगह पे? वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे। जॉन वार्डिन, विलियम बी साकले एंड वाल्टर एच ब्रेटेन इन्वेंटेड द ट्रांजिस्टर एट बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज इन द मिड 1940s। जॉन वार्डिन, विलियम बी साकले और वाल्टर एच ब्रेटेन ने 1940 के दशक में के मध्य में बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में ट्रांजिस्टर का निर्माण किया। वन ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन बेस्ड ऑन द ट्रांजिस्टर वाज द फिल्को कॉर्पोरेशन ट्रांसेक S2000 इन 1958। ट्रांजिस्टर पर आधारित पहली कंप्यूटिंग मशीनों में से एक 1958 में फिल्को कॉर्पोरेशन ट्रांसेक S2000 थी। IBM सून फॉलोड विद द ट्रांजिस्टर बेस्ड IBM 7090। IBM ने जल्द ही ट्रांजिस्टर पर आधारित IBM 7090 का लॉन्च किया। ऑपरेटिंग सिस्टम इन द 1950s वर कॉल्ड सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। 1950 में ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग के नाम से जाना गया। सेकेंड जनरेशन के जो मेन कंप्यूटर थे वो थे हनीवेल 400, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108। दिस सेकेंड जनरेशन मशीन वर प्रोग्रामड इन लैंग्वेज सच एज कोबोल एंड फोर्ट्रॉन थी। सेकेंड जनरेशन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो थी आपकी कोबोल और फोर्ट्रॉन थी। कोबोल का जो फुल फॉर्म था वो था कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और फोर्ट्रॉन का जो था फॉर्मूला ट्रांसलेटर के नाम से जानते थे। सेकेंड जनरेशन में जो आपका स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज होता था वो था आपका मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। ये दोनों आपके स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
ये है आपका IBM 709 और ये है आपका ट्रांजिस्टर। उसके बाद आता है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का जो पीरियड होता है वो आपका होता है 1964 से लेकर 1971 तक का जो पीरियड कहलाता है वो आपका थर्ड जनरेशन कहलाता है। इसमें जो आपका इस्तेमाल हुआ था उसमें क्या हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ था। 1958 और 1959 में रॉबर्ट नॉयस और जैक किल्वी ने आईसी का निर्माण किया। आईसी वाज अ सिंगल कंपोनेंट कंटेनिंग नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। आईसी जो था एक सिंगल कंपोनेंट था जिसमें कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। इन दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग टाइम शेयरिंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड। इस जनरेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था वो क्या था, जनरल रिमोट प्रोसेसिंग था, टाइम शेयरिंग था और मल्टी प्रोग्रामिंग था। और इस जनरेशन के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे वो क्या था, हाई लेवल लैंग्वेजेस थे जो कि फोर्टन 2 और 4 था, कोबल था, पास्कल PL 1 था, बेसिक एल्गोल था। ये क्या थे आपके थर्ड जनरेशन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सारे जो आपके थे ये क्या थे, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो डेवलपमेंट हुए थे, PDP-8, PDP-11, ICL-2900, IBM-360 एंड IBM-370। ये सारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे और यही आपका आईसी है जो कि आपका थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था। ये है आपका IBM-360 और ये है आपका PDP-8। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद आता है आपका फोर्थ जनरेशन। 1971 से लेकर 1980 का पीरियड जो कहलाता है वो आपका फोर्थ जनरेशन कहलाता है। और ये जो बेस्ड था VLSI प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड था। दिस टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर। टेक्नोलॉजी किस पे बेस्ड थी, ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थी। ये माइक्रो प्रोसेसर इज यूज इन अ कंप्यूटर फॉर एनी लॉजिकल एंड अरिथमेटिक फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड इन एनी प्रोग्राम। ये जो माइक्रो प्रोसेसर था ये किसी भी लॉजिकल या किसी भी अरिथमेटिक फंक्शन को परफॉर्म करवा सकता था किसी भी प्रोग्राम के थ्रू। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस टेक्नोलॉजी वाज एक्सप्लॉइटेड टू ऑफर मोर कंफर्ट टू यूजर्स। उपयोगकर्ता को अधिक सुविधा देने के लिए इसमें क्या यूज किया गया था, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस दिया गया था। तो इसमें क्वेश्चन भी बन सकता है कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस का जो इस्तेमाल किया था वो किस जनरेशन में हुआ था, तो ये आप बता सकते हैं कि ये आपका फोर्थ जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर इंप्लॉय लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक्स टू पैक थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल चिप। माइक्रो प्रोसेसर क्या थी, एक LSI और VLSI बेस्ड टेक्निक पे बनी हुई चिप थी जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे। द इंटेल 4004 वाज द फर्स्ट प्रोसेसर टू बिल्ट ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप। इंटेल 4004 पहला प्रोसेसर था जो कि सिंगल सिलिकॉन चिप पे बनाया गया था। इट कंटेन 2300 ट्रांजिस्टर बिल्ट इन 1971। यह पहला प्रोसेसर था जिसमें 23,000 ट्रांजिस्टर लगे हुए थे जो कि 1971 में बनाया गया था। इन 1981 IBM सेलेक्टेड द इंटेल कॉर्पोरेशन एज अ बिल्डर ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर द इंटेल 8086 फॉर इट्स न्यू मशीन। 1981 में IBM ने अपनी नई मशीन के लिए इंटेल कॉर्पोरेशन को माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए चुना। प्रोसेसर चिप आर यूज्ड एज अ सेंट्रल प्रोसेसर एंड मेमोरी चिप्स आर यूज्ड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। प्रोसेसर का इस्तेमाल सेंट्रल प्रोसेसिंग के लिए यूज किया गया और मेमोरी चिप का इस्तेमाल डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए किया गया। इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज। ऑल द हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++ डाटाबेस etc वर यूज इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया वो क्या था, आपका टाइम शेयरिंग था, रियल टाइम नेटवर्क था और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम था। और इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे वो क्या थे, आपके C++ डाटाबेस इसी जनरेशन में यूज किए गए थे। इस जनरेशन के जो आपके मेन कंप्यूटर थे वो थे IBM 4341, बेक 10, स्टार 1000 और क्रेवन सुपर कंप्यूटर। क्रेवन सुपर कंप्यूटर जो था पहला सुपर कंप्यूटर था, ये आपका क्रेवन कंप्यूटर है, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, VLSI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। उसके बाद आता है 1980 से लेके अभी तक का जो जनरेशन कहलाता है वो आपका फिफ्थ जनरेशन कहलाता है जो कि ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। इस जनरेशन को हम क्या बोलते हैं, AI बेस्ड जनरेशन कहते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कहते हैं। द एम ऑफ द फिफ्थ जनरेशन इज टू मेक डिवाइस विच कुड रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग। पांचवी पीढ़ी का जो उद्देश्य है एक ऐसा उपकरण बनाना है जो कि प्राकृतिक भाषा को समझे और उस पे प्रतिक्रिया दे और उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करे, उस तरीके का वो काम करे। तो जीता जागता एग्जाम्पल है आपका रॉबर्ट। दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक। यह पीढ़ी ULSI बेस्ड तकनीक पर बेस्ड है जिसके परिणाम स्वरूप माइक्रो प्रोसेसर चिप का उत्पादन 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक हुआ है। इस जनरेशन के जो मेन डेवलपमेंट है वो क्या है, आपका रोबोटिक्स है, न्यूरल नेटवर्क है, गेम प्लेइंग है, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स टू मेक डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशन, जो कि ऐसा सिस्टम बनाने पर डिपेंड करता है जो कि रियल लाइफ सिचुएशन पे वो काम कर सके। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन, नेचुरल भाषा को समझे और उस पे क्या हो, उस पे वो
वर्क करे। ऑल द हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस, जावा, डॉट नेट, ETC आर यूज इन दिस जनरेशन। जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज थे जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, सब इसी जनरेशन में यूज किए गए थे। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर AI इज इन एमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस विच इंटरप्रेट्स द मीन एंड मेथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन बींग्स। AI जो है उभरता हुआ ब्रांच है कंप्यूटर साइंस का, जो कंप्यूटर को इंसान की तरह सोचने और उसके तरह काम करने के सक्षम बनाता है। फिफ्थ जनरेशन के जो सिस्टम थे वो क्या है, आपके डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नोटबुक है, अल्ट्राबुक है और क्रोमबुक है। तो कंप्यूटर के जनरेशन में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।